बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जैसे कि लास्ट टाइम तक जो काम कर लिया था उस जो हमने टू कार्ट वाला काम किया था कि चेकआउट पे वो सारा डाटा प्रिंट करा रहा था, अब उसके लिए क्या करेंगे कि बिल बनाना है। तो वो बिल के लिए हम क्या करें ताकि बिल से पहले पहले कि टोटल उसका लिखा हुआ आ जाए, तो टोटल हम क्या करेंगे इसी टी बॉडी के बाद यहाँ पर आके आप टी फुट यूज़ कर लें, और इसके अंदर यहीं पे इसको क्लोज करने के बाद टी आर यूज़ करें। देन यहाँ पर यहीं पे डाटा डिस्प्ले करवा देंगे, अलग से ज़रूरत नहीं है। और स्पैन, और यहाँ से आपने किया 4, ठीक है। और अब उसके बाद क्या करेंगे, आपने यहाँ पर आके एक और टी डी बनाई, ठीक है, यहाँ पर टेबल। और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे कि हमने जो ऊपर जो हमने ये टैम डाटा रखवाया था ना, जहाँ पर डाटा हमारे पास सेव होकर आ रहा था, ठीक है, और एक हमारे पास जो डाटा हमारे पास जो बिल आ रहा है उसका, वो टोटल में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने टैम डाटा के अंदर आप यहाँ पे टैम डाटा यूज़ कर लें, एट द रेट टैम डाटा में आ जाएगा आपके पास उसके टोटल, ठीक है। ऐसे उठा के लगा दीजिए, यहाँ पर टोटल आपने प्रिंट करवा देना है। साथ में आप क्या लिखवा देंगे, यहाँ पर टोटल आप यहाँ पे दे दें, और क्योंकि हमने वहाँ पर वो टोटल बिल पीछे जो है वो हमने अलग स्पेस के ऊपर दिया हुआ था पहले से, तो वह उसको सिंपल यहाँ से जो है वो प्रिंट करवा लें। यहाँ पर उसको इस तरह से कॉल करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इसको आप यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। F5 करते हैं, शुरू के साथ दोबारा इसको यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया, यहाँ से कैटेगरी ताकि कुछ चेकआउट करा, एक ही या दो आइटम लेते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से एक आइटम लिया, सबमिट किया इसको, दूसरा आइटम यहाँ से एक और ले लिया, और यहाँ से आपने इसको भी परचेज कर लिया, सबमिट किया। अब आपके पास ये जो बिल आ रहा है, आप चल के जाके चेकआउट करें, तो यहाँ देखिए आपके पास ये वाला बिल सारा टोटल में लिख कर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस कि एक चेकआउट का बटन अभी लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि वो सारा का सारा जब फाइनल चेकआउट हो जाएगा, वो सारा का सारा कहाँ जाके सेव हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अभी तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है सारा का सारा, बाद में इसको पूरा ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और अभी सॉर्ट करते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर वापस आऊँ, अगर मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ यहाँ से, साइन आउट करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर जो है, जो हम क्वांटिटी लेते हैं, और मैं यहाँ पे जब भी कभी जो है वो हम क्वांटिटी सेट कर रहे होते हैं तो वो नेगेटिव में भी जा रहा होता है, तो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, ये नेगेटिव में थोड़ा कुछ होता है, ठीक है। तो इसको रोकना है, ये वाला काम करना है फिलहाल। अभी पहले तो स्टार्टअप के साथ लेते हैं कि आज कैसे चीज़ें परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह आज उसको वाइंड अप करेंगे। सर, एड टू कार्ट के बटन लगाने के लिए मैं एक आइकन लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये किया कि जगह पे मैं अलग से एक चीज़ कर दे रहा हूँ, इसको स्टाइल एक्स अलाइन सेंटर ये लगा दिया। इसके H4 को मैंने बंद कर दिया, सॉरी H4 नहीं, H4, ठीक है, इसको बंद किया। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब एंकर का टैग लगाऊंगा। एंकर का टैग पहले मैंने लगाया ए क्लास, और क्लास के अंदर मैं दे दूंगा इसको दूसरा कुछ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से BTN, इसको बटन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे BTN। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ BTN प्राइमरी दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ प्राइमरी दे दिया इसको, और बटन को स्मॉल कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं BTN स्मॉल भी कर देता हूँ ऐसा, ठीक है जनाब, ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करते हैं कि एंगर का टैग लगा लेते हैं, ताकि हम उसके अंदर पूरा उठा के वो लगा देंगे जो हमारे पास वो पूरा आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एचरेफ यहाँ पे मैं कर दूंगा इनवर्टेड कॉमास के अंदर, एट द रेट यूआरएल डॉट एक्शन, यूआरएल डॉट सॉरी यूआरएल एक्शन, ठीक है, एक्शन कर दिया यहाँ से, और इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, और यहाँ से मैंने इसको वही वाला दिया जो मैंने ऊपर दिया वाला था, गलती ना हो, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी किया इसको यहाँ से लाकर, और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर, ठीक है। और यहाँ से मैं साथ में क्या करवा दूंगा, इस जगह पे मैंने कॉमा लगाया, न्यू
और यहाँ पे आप लगा दें ऐसे करके, आईडी बाइंड करवा लें, तो आईडी कौन सी उठ के आएगी, और प्रोडक्ट आईडी ये वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ लाके इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में क्या करें, इसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट के फौरन बाद इसको बंद करें, सॉरी कॉमास लगाने के बाद जो मैंने एक्शन लिंक लगाया हुआ था मेरे पास, उसका मैंने इसका जो है वो इनवर्ट कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया, और इनवर्ट कॉमा क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ पे इसका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, और अब उसके अंदर यहाँ पे लिख दिया बैट टू, ठीक है। ऐसे कर कंट्रोल एस कंट्रोल सी पी ऐसे कर दिया आपने, और ऊपर वाले को आप क्या करते हैं रिमूव कर दो। प्राइस आ रही थी ना, तो उसके बाद आप ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नेम मेरे पास आ रहा था और प्राइस मेरे ख्याल से मेरे पास यहीं पर ही आ रही थी, तो मैं इस वाले को अब यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटाया मैंने यहाँ से। अब इसको सेव करके चला के देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से ऐड टू कार्ट का बटन आ गया है। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट का जो वो सिंबल होता है, जो जो आइकन होता है वो लगाता हूँ, ऐड टू कार्ट को कॉपी कर लिए वहाँ से आइकन को, और इसको ला के पेस्ट कर देंगे। आप जो आपका एंकर का टैग जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब ये जहाँ पर ये वाला हिस्सा एंड हो रहा है, यहाँ पर आइए और इस जगह पे लाके इसको पेस्ट करें, ठीक है। ऐसे पेस्ट करें ताकि ये एंकर के टैग के अंदर ही आए, इसको सेव करें। अच्छा, बूटस्ट्रैप का वो लिंक भी लगाना पड़ेगा, सीडीएन, तो ऑनलाइन सीडीएन यहाँ से कॉपी कर लें ये वाला, और इसको ले जाके वहीं पेस्ट कर दो। कॉपी करें इसको यहाँ से और इसको ले जाके पेस्ट कर दीजिए आप अपने यहाँ पे स्टार्ट में, इसको ठीक है यहाँ पर ही पेस्ट करें, इसको पेस्ट करिए सेव करिए और चला के देखते हैं इसको, ठीक है। इसको इस तरह से कर दिया है, साथ में वो एसएम हटा दिया ताकि ये साइज़ बड़ा हो जाए, वो बहुत छोटा हो गया था एसएम लगाने के लिए। अच्छा, अब क्या करना है कि जब इस पर क्लिक किया जा रहा है तो ऐड टू कार्ट पे जो नेगेटिव आ रहा था ये नेगेटिव खत्म करवाना, ताकि ये चीज़ जो है वो नेगेटिव वाला ना आए, ये सिर्फ प्लस तक रहे इसके बाद ना आए। उसके लिए क्या करना होगा ये चल के देखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो चल के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आए, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास पेज था ऐड टू कार्ट वाला, ये रहा ऐड टू कार्ट का पेज। यहाँ पे देखें क्वांटिटी वाला ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे करते हैं मिनिमम इज इक्वल्स टू 1, और मैक्सिमम यहाँ पे आप कर दें कि मैक्सिमम आप क्या कर सकें। अच्छा भाई, अब एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे दे देते हैं कि मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो आपने यहाँ पे एक रेंज दे दी कि 12, मतलब 12 से ऊपर ना जाए, तो ये हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, सेव करा इसको कंट्रोल एस, और इसको आप चला के देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट ओपन किया, अब ये देखें यहाँ से मैं जीरो कर रहा हूँ, जीरो से नीचे जा रहा हूँ तो नीचे रहेगा, और मैं मैक्सिमम पे जाऊँ तो मैक्सिमम पे ये 12 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला काम भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये चीज़ और, कि जब कभी भी हम क्या करते हैं प्रोडक्ट अगर सेम खरीदते हैं, मतलब मैंने यहाँ से क्या किया कि मैं आके एक एक चीज़ परचेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे आकर क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके दोबारा लॉगिन करा, और यहाँ से आकर ऐसे लॉगिन किया, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक आइटम परचेज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सही पहले से मेरा बिल बना हुआ है ना, इस वजह से वो आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको बिल्कुल हटा देता हूँ, ठीक है, कि वो मेरा बिल था ना, मैंने उसको चेकआउट नहीं किया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आके मैंने क्या किया, एक एक बिल मैंने यहाँ एक मैंने ये पीस लिया यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक आइटम परचेज किया कि एक डेस्कटॉप मैंने यहाँ से ये परचेज कर लिया, इसको मैंने एक आइटम लिया सबमिट कर दिया, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे एक और आइटम चाहिए, ये वाला मैंने डेल ऑप्टिप्लेक्स लिया, इसको मैंने ऐड टू कार्ट करवाया, एक आइटम मैंने यहाँ से सबमिट करके एक आइटम ले लिया, इसका भी सबमिट कर दिया। अब उसके बाद जब मैं दोबारा जाके इसी को ही परचेज करता हूँ, मतलब मैंने क्या किया कि मैं इसी आइटम को दोबारा करता हूँ, तो मुझे वो लिस्ट में सेम जगह पे आना चाहिए, मतलब उसी में ही ऐड हो जाना चाहिए, मैं सबमिट किया। तो अब जब मैं जाके इसको चेकआउट करता हूँ, तो चेकआउट पे देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेस्कटॉप एक मरतबा आया, फिर दोबारा भी इसका आया, इसको तो सेम आईडी को सेम उसमें आ जाना चाहिए था, सेम प्रोडक्ट है सब कुछ सेम है तो इसी में आ जाना चाहिए था। तो इसके ऊपर क्या किया जाए ये मैं पूछता हूँ, चले ठीक है, मैं बता देता हूँ अब किस तरह से करना है। इसके लिए देखें यहाँ पर आते हैं वापस, जो हमारा कंट्रोलर है उस कंट्रोलर पे चलते हैं जहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट वाला काम किया। कंट्रोलर पे आए और ऐड टू कार्ट वाला काम हमने इसी के ऊपर किया हुआ, ये रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पर आते हैं और ये जो हमारा जो जहाँ पर डाटा प्रिंट हो रहा है ना, ये प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर। अब देखिए करना क्या है इसके लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने एक कोड यहाँ पहले किया था, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे एल्स मैंने कोड कि वो जो भी आइटम हो वो उसके अंदर क्या करवा उसको होल्ड करवा। लेकिन अब मैं क्या करवाता हूँ कि होल्ड नहीं करवा रहा, मैंने सूट बताया है यहाँ से। और यहाँ पे आके पहले मैंने लिस्ट बनाई, तो पास मैंने लास्ट शायद मैंने लिस्ट ऊपर बनाई भी है, खैर नहीं बनाई, मैं दोबारा इसको यहाँ पे बना दूँगा। लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पर, उसके अंदर मैंने कार्ट को ऐड करवाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने li2 का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम दिया इज इक्वल्स टू टेम डाटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्ट, और साथ में आएगा एज, और यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। जैसे आपने यहाँ पर इसको टाइप कास्ट करवा दिया, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको कार्ट दे दिया, ठीक है जनाब। टर्मिनेटर लगा दीजिए यहाँ पर। अब उसके अंदर आए और एक वेरिएबल ले लें, इंटीजर फ्लैग एक नाम दे रहे इसको इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया और साथ में अब क्या करें, फॉर ईच लूप चलाएं, डबल टैप। तो यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, वेरिएबल आइटम में आपने यहाँ पे दे दिया li2, ठीक है। इसके अंदर आके कंडीशन चलेगी इफ डबल टैप, और यहाँ पे आके आपने क्या किया, आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल इक्वल्स टू, अगर वो मैच कर जाए किससे, प्रोडक्ट आईडी से जो कस्टमर ले रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इस कंडीशन में आइए तो वो क्या करवाए, ऑटोमेटिकली ऐड करवा दे आइटम डॉट क्वांटिटी इज प्लस इज इक्वल टू, कि वो क्या करवाए उसमें ऐड करवा दे सी डॉट क्वांटिटी को, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि क्वांटिटी जो है वो ऐड करवा ली, ठीक है, ऐड हो जाए, आप उसके अंदर वो बिल में भी ऐड हो जाओ, तो आइटम डॉट बिल इज प्लस इक्वल्स टू किसके बराबर हो, बिल के बराबर, ठीक है, बिल में भी ऐड हो जाएगा। टर्मिनेटर और फिर फ्लैग क्या हो जाए, फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, ठीक है। आपने ये कंडीशन लगाई, उसके बाद अब ये तो आ गया आपके पास जो हमने इसके अंदर कंडीशन अलग से रखवाई, ठीक है, ठीक है। और जब ये फ्लैग 1 हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, ये लूप जब भी चल रहा होगा कि इसका मतलब है कि वहाँ पर अब फ्लैग के अंदर वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और अब अगर इसके अलावा इसका मतलब अगर कि जैसा हुआ कि फ्लैग के अंदर 0 नहीं, मतलब फ्लैग अगर क्या है 0 के बराबर है, तो उसकी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन हमने यहाँ पे रुकी, इसका लूप बंद किया, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, उसके बाद आपने एक और कंडीशन लगाई, तो क्या करेंगे, इफ डबल टैब, और यहाँ पे देखिए फ्लैग अगर क्या हो 0 हो, क्यों हो सकता है ना कि एक आदमी खाली एक ही आइटम को परचेज करता है या नॉर्मल जो चल रहा होता है वैसे ही हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें, सिंपल ऐड करवा दे एल आई डॉट ऐड, और वहां पे क्या करवा दें आप सी के आइटम, इसको सिंपल ऐड करवा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि वो आइटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो नया आइटम है, इस वजह से वो खुद ही उसको ऐड करवा देगा, ठीक है। और इस तरह से मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कमेंट भी लगा देता हूँ साथ में इस जगह पे आकर, ये किसके लिए आ रहा है, आइटम इज न्यू, तो ये आइटम नया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये जब आइटम नया होगा तो वो ये वाला नीचे वाला चलाएगा, और अगर ऊपर वाला चलेगा इसका मतलब है कि आइटम पुराना वाला ही ऐड हो रहा है, ठीक है। और वो क्या करवाएगा, और सबको एंड में क्या करेगा, उसके बाद फिर वो उस कोड को इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा देगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टेम डेटा में इसको होल्ड करवा देते हैं, टेम डेटा, और आपने यहाँ पे क्या किया, ऐसे कार्ट कर दिया कार्ट, और इसके अंदर आप किसको जमा ऐड करवा देंगे, li2 को, ठीक है। तो इज इक्वल टू li2 यहाँ पे किया, टमेट लगाया, अब वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डाटा एक जगह पे लाके बाइंड कर देगा, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के चला के देखते हैं, कंट्रोल F5 यहाँ से आते हैं, इसको आप चेक करते हैं, डेस्कटॉप से आके एक एक आइटम परचेज किया, इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके 2 आइटम परचेज करे, सबमिट किया इसको। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से आके डेस्कटॉप में आकर एक और आइटम परचेज किया जो कि दूसरा वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ से आके क्या किया, ऐड टू कार्ट करा इसको। अब पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ से एक आइटम परचेज कर लिया, सबमिट करा, जाकर चेकआउट पर चेक करते हैं कि क्या,
चेकआउट पे क्लिक करा, यहाँ पे आके देखें, अच्छा मेरे पास अभी एक ही आ रहा है, दूसरा वाला उसने किया नहीं है, तो मैंने सबमिट शायद नहीं किया सही से, एक बार देख लेते हैं उसको। डेस्कटॉप पे गए दोबारा और यहाँ से ऑप्टीप्लेक्स ऐड करवाया, दोबारा चेक करते हैं। यहाँ से मैंने इसके दो आइटम लेते हैं, सबमिट करा इसको और आके दोबारा देखते हैं चेकआउट के अंदर इसका बिल आया है यहाँ पर, इसको चेक करते हैं यहाँ से सारे देखते हैं। अच्छा गलती ये वाली हो गई थी कि यहाँ पे LI रह गया था, LI2 लिखना था मुझे, LI, इस वजह से वो डाटा सेव नहीं कर रहा। इसको सेव किया, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आइटम परचेज करते हैं पहले, यहाँ से आके मैं कुछ चीज़ें परचेज करता हूँ, वही पुरानी वाली चीज़ें ही परचेज करते हैं। यहाँ से मैंने एक आइटम परचेज किया पहले टेक्सटॉप, इसके दो आइटम मैंने यहाँ से परचेज कर लिए, सेव करा इसको। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक और आइटम परचेज किया कि मैंने ऑप्टिप्लेक्स परचेज कर लिया, यहाँ से ऐड करवाया इसको, इसके मैंने एक आइटम लिया, सबमिट किया। अब मेरे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है, मैंने यहाँ पे चेकआउट किया तो मेरे पास दोनों अलग अलग आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक और आइटम परचेज करता हूँ जो कि सेम पहले वाले का होगा। मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे ऐड करता हूँ, यहाँ से जाके मैंने यहाँ से एक परचेज किया, ऐड टू कार्ट किया, यहाँ से मैंने एक आइटम परचेज किया, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब सबमिट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, तो मेरे पास क्या हुआ, उससे क्वांटिटी को उसने 3 कर दिया, यहाँ पेमेंट भी हो गई और यहाँ पे इसका बैलेंस भी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये टोटली ऐड हो गया। तो ये वाला काम था कि हमने इसको लॉजिक यहाँ पे कवर कर दिया।